Shri Vasant Kumar ji, he's the advisor in Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India. An ex-bureaucrat, he's presently involved in writing books and editorials. He's writing the script and screenplay of the biopic movie on the former Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee. He's also actively involved in NGO named Ek Pehel, being its national secretary. And now, with due respect, I request sir to please come on the dais and say a few words. Can we all please welcome him? Hello. Mr. Nayan Bongia, Dr. J.K. Singh, Dr. Kohli, और इस सभागार में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए विशिष्ट लोगों. पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर को इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा. बड़ा इम्पॉर्टेंट जो मैटर आपने लिया है, बेटर हेल्थ केयर आवाज. क्योंकि अगर आप देखिए तो हमारा हेल्थ केयर, WHO क्या कहता है कि GDP का 5% भी सेगमेंट ऑन हेल्थ. लेकिन भी डॉक्टर कोहली ने बताया कि हार्डली वी आर डूइंग 2% समथिंग ऑन हेल्थ. और गवर्नमेंट अस्पतालों की बात तो कहने की ज़रूरत है नहीं. डॉक्टर जे के सिंह बिहार से आते हैं, पता लगा कि पूरा जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी वार्ड बॉय चला रहा है, ऑपरेशन वार्ड बॉय कर रहा है, तो वो तो बुरा हाल है. और मैं तो क्योंकि पॉलिटिकल सर्कल में भी देखा है कि अगर किसी नेता के यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, दो चीज़ों की होती है, एक तो विद्यालय में एडमिशन की, और दूसरी किसी अस्पताल में रिकमेंडेशन के साथ चिट्ठी लिख दो, शायद मुझे मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाए या मेरे पेशेंट को मिल जाए. और बड़ी बात है कि एक OSG लेवल का, मंत्री का OSG ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सिर्फ इसलिए बैठता है कि जो रसूख वाले पेशेंट वो आ जाए, जबकि हेल्थ और एजुकेशन ऐसा सेक्टर है जहाँ पर सबको सुलभ और कम खर्च वाला सुविधा मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है. तो जहाँ तक आप लोग हैं, बहुत सी आई थिंक आप लोग प्राइवेट सेक्टर से आए हुए हैं, और लोग अपने बल पे विदाउट एनी हेल्प ऑफ गवर्नमेंट आप लोग जो सहायता कर रहे हैं, दूर दराज तक आप हेल्थ फैसिलिटीज पहुँचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है. और उसके साथ एक डॉक्टर्स की एक अपनी प्रॉब्लम है. जब हम लोग सिविल सर्विस तैयारी करते थे, ये देखते थे कि उसमें एक दौर था कि डॉक्टर्स MBBS करने के बाद, MS करने के बाद, MD से करने के बाद, पता दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस. मैं ये मानता हूँ अगर इनको प्रॉपर फैसिलिटीज मिलती, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता, तो उनको दूसरे क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं थी कि 10 साल आप करने के बाद मेडिकल फील्ड में, MS करने के बाद देन यू आर थिंकिंग कि कहीं और जाएँ, सिविल सर्विस जाएँ. और आजकल तो हमारे दो दो तीन तीन मंत्री साहब क्वालिफाइड अच्छे डॉक्टर्स हैं. डॉक्टर रमन सिंह भी मेडिकल के रहे हैं. तो ये क्यों हो रहा है, डॉक्टर्स क्यों जा रहे हैं दूसरी फील्ड में? क्योंकि दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर अट्रैक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट. उनको अच्छा सैलरी मिले, अच्छा पक्ष मिले, अच्छी सुविधाएं, तो कोई नहीं जाएगा. और आपने उस फील्ड पे 10 साल काम किया है, फिर आपको जाने के लिए मजबूर होना पड़े, तो आई थिंक दिस इज नॉट गुड. और आप लोग जो हर फील्ड में कर रहे हैं, दूर दराज के इलाकों में कर रहे हैं, कि डॉक्टर साहब ने पहले बता दिया कि 75% गवर्नमेंट फंड वो शहर में खर्च हो रहा है, और सिचुएशन वाइज बस है, 75% रूरल में है, 25% यहाँ है, लेकिन खर्च का हिसाब उल्टा है. तो आप लोगों को मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम दूर दराज हर जगह लोगों तक पहुँच रहे हैं. बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग जो जो गरीब हैं उनको भी, जो कम आमदनी वाले हैं उनको भी ये अपनी सुविधा पहुँचा सकें. और अब जहाँ पर डॉक्टर जगत सिंह हैं, ये हैं, तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं कि बोला जाए. तो इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो अवार्डीज हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो जीते हैं वो भी, जो सिंपली पार्टिसिपेंट रहे वो भी, सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद.